तो बहुत बड़ी गुड न्यूज आप सभी के लिए मैं लेके आ चुकी हूँ गूगल की तरफ से। बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम गूगल की हमें कोई लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी बता दीजिए जहाँ पे ऑल इंडिया से हम अप्लाई कर पाए। तो आ चुकी है आप सभी के लिए फ्रेश अपॉर्चुनिटी। आप इंडिया में किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, आप फीमेल है मेल है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो अपडेट आया ना बहुत ही बढ़िया जॉब अपडेट आया है, कोई भी आप में से यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा चांस है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी डिटेल में यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाली हूँ इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। क्या यहाँ पे अपडेट है, कितना आपको यहाँ पे सैलरी पे किया जा रहा है, कैसे आपके सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग यहाँ पे हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई करना है। वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो को देखना, अपने दोस्तों के साथ फटाफट आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कमेंट जरूर करें ताकि आपके नियर जो भी पोस्ट आती है हम उसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर पाए। और अब तो मैंने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है, ज्वाइन और फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि आपकी ड्रीम कंपनी गूगल की तरफ से आई है, जहां पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे आप मेल हो फीमेल हो दोनों अप्लाई करें, यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है, फी नहीं है, डायरेक्टली आपके यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है। देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में यहाँ प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, क्या पोजीशन है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या बेनिफिट आपको यहाँ मिलेंगे, कैसे आपको सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग मिल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से स्टेप है जिसको फॉलो करके अप्लाई करना है, वो भी आपको प्रॉपर स्क्रीन पे चल के समझाऊंगी। लास्ट तक वीडियो देखना हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर। अगर आप पहली बार आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इस अपॉर्चुनिटी के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई है, हमारी ऑफिशियल साइट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो ऑफिशियल साइट है गूगल पे सीधा लिखना meetacademy.in, पहले नंबर पे आपको साइट मिलेगी, लेटेस्ट अपडेट को चेक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करें यहाँ पे गूगल की लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक और आपके लिए गुड न्यूज है, देखिए एक नोटिफिकेशन आया है विप्रो का, एक आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये दोनों वीडियोज एक एक करके आएगी हमारे सेकेंड चैनल मीत शर्मा पे, यूट्यूब में लिखना मीत शर्मा, आपको पहले नंबर पर चैनल मिल जाएगा, जाके आप सब्सक्राइब करें। फिलहाल बात करें यहाँ पे गूगल की लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो गूगल की अपॉर्चुनिटी आई हुई है इसके लिए क्या यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, इसके साथ साथ क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे, सिलेक्शन कैसे होनी है, ये सारी चीजें, ठीक है, बेनिफिट सिलेक्शन आपको कैसे यहाँ मिलेगी। इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, खास तौर पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, कौन सी पोजीशन है, क्या क्या फायदे मिलेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद हम वापस आके बात करेंगे सिलेक्शन आपकी कैसे इसमें हो रही है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको सीधा इनकी साइट पे लिखे आ चुकी हूँ। सबसे पहले ये समझ लो कि इसके लिए आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है वो सारा कुछ आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी। पहले आप ये देखिए यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, इधर आपको अप्लाई की ऑप्शन मिलती है, इधर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस तरीके से प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। अब यहाँ पे ना इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, पहली ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाईलाइट ऑलरेडी हुई हुई है, जहां पे हमें ये प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम लिखना है, मिडल नेम, लास्ट नेम वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको बोल रहा है आपको अपनी यहाँ पे प्रोफाइल बनानी है, जिसमें आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, जिसमें आपको अपनी सारी की सारी डिटेल को लिखना होगा, ठीक है, आपका नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ, जो जो डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है, वो आपको एज इट इज फिल करनी है। उसके बाद रोल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे 1 मिनट से भी बहुत कम टाइम आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की यहाँ पे ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे भी आपको 1 मिनट से बहुत कम लगेगा। तो सबसे पहले ये वाले जो ऑप्शन हमारे पास हाईलाइटेड है ना, यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड पे इन्होंने क्लिक करा हुआ है, हमें यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, मिडल नेम,
लास्ट टाइम अपना लिखना होगा, उसके बाद इधर आपको यहाँ पे कैटेगरी अपनी सिलेक्ट यहाँ पर करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी आपने जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करी होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्टेड ही होगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम स्क्रॉल डाउन यहाँ पे आप करेंगे, अगर आप चाहते हैं जो जो जीमेल आईडी इन्होंने ऑलरेडी पिक कर ली है आपके गूगल अकाउंट से, आप नहीं चाहते कि उस ईमेल आईडी से ही आप अप्लाई करें, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्विच अकाउंट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्विच अकाउंट पर क्लिक करके जिस भी गूगल अकाउंट से आप लॉग इन होना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। अब इधर आपको प्राइमरी नंबर में अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, जैसे यहाँ पे देखिए फ्लैग किसी और कंट्री का सिलेक्टेड था तो मैंने यहाँ पे INDIA सिलेक्ट करके इंडिया आ गया हमारा, ठीक है, प्लस 91 लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस 91 ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ये बोल रहा है कि लेटेस्ट अपना रिज्यूमे आप ड्रैग या ड्रॉप यहाँ करें, या फिर ब्राउजर में यहाँ पे भी आपके पास ब्राउज में पड़ा है वहां पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जो है अपलोड उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्क्रोल डाउन करना है, उसके बाद यहाँ पे ये आपसे ये पूछ रहा है कि गूगल करियर प्रोफाइल जो है आपकी, ठीक है, जो आप यहाँ पे प्रोफाइल यहाँ बना रहे हैं, जो भी जॉब रिकमेंड होती है या उससे रिलेटेड कोई कंटेंट होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए तो आप यस करें, अदरवाइज आप यहाँ पे सिंपली नो कर देना। अब यहाँ पे इधर आपको लास्ट में टिक करना है, ठीक है, अपनी डिटेल को फिल करके यहाँ आपको क्या करना है, सबमिट प्रोफाइल एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप सबमिट प्रोफाइल एंड कंटिन्यू पर यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद क्या है कि ये वाली जो प्रोफाइल है करियर प्रोफाइल, ये वाली भी यहाँ पे ब्लू में अपने आप हाईलाइट हो जाएगी, जैसे ये वाली थी ना, अब ऐसे ये हाईलाइट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एड्रेस कहाँ का है, ठीक है, क्या आपने पहले ही कभी इस अपडेट के लिए अप्लाई करा है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जो जो डिटेल्स आपसे ये पूछ रहा है एज इट इज आपको बस यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद ये वाली ऑप्शन आपके सामने ब्लू हो जाएगी, जो कि रोल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड रहेंगी, वॉलंटरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की ये जो ऑप्शन है, उसके बाद ये हाईलाइट हो जाएगी ब्लू कलर में, ठीक है। तब आपसे ये पूछेगा आपकी जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करी होगी उसको आपको यहाँ पे जो है वो वेरीफाई करना होगा, सिंपल यही है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या क्या यहाँ रिक्वायरमेंट है, क्या ये अपडेट, सो अपडेट ये आपके सामने है, जो कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विंटर इंटर्नशिप के लिए आया हुआ है, जहां पे आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। ये जो आपकी विंटर इंटर्नशिप है ना, ये आपकी जो है 22 से 24 वीक्स तक की रहने वाली है, ठीक है, जिसमें आप में से कोई भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई कर सकता है। जो भी कैंडिडेट अपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कर चुके हैं या कर रहे हैं, या अपने कोई भी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई भी आप में से यहाँ अप्लाई जो है वो कर सकता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने लिखा है करंटली एनरोल्ड इन एन एसोसिएट, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने अभी अभी जो है एज अ एसोसिएट यहाँ पर गूगल में आपने एनरोल्ड किया होना चाहिए, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी ने किया है अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है या अभी कर भी रही है या अपनी मास्टर्स डिग्री आप कर रहे हैं, ठीक है, या कर चुके हैं, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बाकी कोडिंग की आपको इनमें से एक या वन आपको मतलब एक या फिर उससे ज्यादा की जो है वो आपको कोडिंग इनमें से आती है, जैसे C++, ठीक है, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या कोई भी इसके सिमिलर है वो आपको आती है, तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। अबाउट द जॉब में आप यहाँ पे जाएंगे, क्या क्या आपको यहाँ पे काम जो है वो रहने वाला है, जब आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहाँ पे इंटर्न आप ज्वाइन करेंगे तो आपका यहाँ पे जो काम है, जो भी इनके कोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे काम जो है वो रहने वाला है, जो कि सपोर्ट करते हैं क्रिटिकल फंक्शन जो इनके होते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग ऑपरेशंस के। यहाँ पे सारा कुछ इन्होंने बहुत डिटेल में लिखा हुआ, सारी ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। टॉप में जब आप जाएंगे ना, यहाँ पे ये वाली आपको अप्लाई की ऑप्शन मिलती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में गाइड करा है उस स्टेप को फॉलो करके हुए, ठीक है, आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर लेना। फिर भी आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए होगी, आपने सिंपली कमेंट करना है। देखिए, जो जो स्टेप मैंने इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई के लिए आपको गाइड किए हैं, उसी को बेस में आके, उसी को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे अप्लाई करिएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं और डिटेल में वीडियो
वाइज स्टेप बाय स्टेप अप्लाई की, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है अगर अप्लाई की वीडियो बनाई ठीक है प्रॉपर, तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करना है। और अब बात करें यहाँ पे सेक्शन की, यहाँ डिस्क्राइब तो नहीं करा है पर यहाँ शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट को इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए ही यहाँ पर ज्वाइन जो है वो करना होगा। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कितने से कितने टाइम की इंटर्नशिप आपकी रहने वाली है। गूगल की तरफ से या इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपका रिज्यूमे पे भी पड़ता है जब आप यहाँ इंटर्नशिप करते हैं, तो अप्लाई यहाँ जरूर करना। सबसे पहले हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।